हेलो फ्रेंड, आपको हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जीके के बारे में जानकारी दूंगी। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड किया है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी पश्चिमी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी पूर्वी ध्रुव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? ऑप्शन ए 512 करोड़, ऑप्शन बी 878 करोड़, ऑप्शन सी 615 करोड़, ऑप्शन डी 1024 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 615 करोड़। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का होगा? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 24 दिन, ऑप्शन सी 16 दिन, ऑप्शन डी 12 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 दिन। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। चंद्रयान 3 का वजन कितना है? ऑप्शन ए 4200 किलो, ऑप्शन बी 2500 किलो, ऑप्शन सी 3900 किलो, ऑप्शन डी 4800 किलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3900 किलो। चंद्रमा की सतह पर धूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेगोलिथ, ऑप्शन बी धूल, ऑप्शन सी मोनोलिथ, ऑप्शन डी हिमोलिथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेगोलिथ। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी ध्रुव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रज्ञान। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 21 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 12 अगस्त 2023, ऑप्शन डी 28 अगस्त 2023। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023।